वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे जो पूर्ण वर्ग ना हो, और वो भी एक ट्रिक के माध्यम से, जिसको सीखने के बाद आपको चाहे जो संख्या दे दी जाए, आप 5 सेकंड में तुरंत उसका उत्तर बता देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में दी हुई होती हैं, उनका तो आप बहुत ही आसानी से वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 64, तो 64 का आप लोग तुरंत वर्गमूल निकाल लेते हैं। 8 अठाई 64 होता है, इसका मतलब इसका जो है 8 वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो 4 है दिया हुआ है, इसका आप तुरंत निकाल लेंगे, 2 × 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 निकल आएगा। लेकिन अगर यही छोटी छोटी संख्याएं ऐसी दे दी जाएं जो पूर्ण वर्ग में ना हो, तब आप उसका उत्तर कैसे निकालेंगे? जैसे आपको बता दे रहे हैं, जैसे दे दिया जाए √5, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? √7 दे दिया जाए, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? और 11 दे दिया जाए, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से 19 दे दिया जाए, 21 दे दिया जाए, ये तमाम तरह की संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हैं, तो इनका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो आइए आज एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला आप लोग सीख लीजिए। बस किसी भी तरीके का सवाल होगा, आपका सवाल तुरंत लग जाएगा। देखिए, वो ट्रिक है, मान लीजिए कोई संख्या आपको दी हुई है जो पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको 2 भागों में बांट लेना है, यानी कि एक्स और वाई में। वो चाहे प्लस के रूप में, यानी कि चाहे जोड़ करके आ रही हो, चाहे घटा करके आ रही हो, उसमें ये ध्यान रखना है कि पहली संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन रही हो और दूसरी संख्या चाहे जो हो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर प्लस माइनस करके वो संख्या पूरी हो रही हो, और यहाँ पर जो एक्स की जगह पर रखेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, और यहाँ पर जो संख्या वाई की जगह पर रहेगी वो संख्या कुछ भी हो सकती है। देखिए, आप लोगों को अभी उदाहरण में बताएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ फार्मूला देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट लेंगे, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई के रूप में। उसके बाद फिर ये फार्मूला आगे देखिए कैसे खुलेगा। यहाँ पर √x हो जाएगा, और प्लस माइनस वाई अपान 2√x हो जाएगा, यानी कि ये x यहाँ पर दिया हुआ है आगे, ये यहाँ पर √x हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस y यहाँ पर पहुँच जाएगा, और बटे में हो जाएगा 2√x। अब देखिए, कोई उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला सवाल यहाँ पर देखिए दिया गया है √5। ये देखिए, यहाँ पर √5 दिए थे, इसी को हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, √5 है मान लो, इसको क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ लेंगे सबसे पहले। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे 2 भागों में। सबसे पहले हम कहे थे कि यहाँ पर ऐसी संख्या में तोड़ेंगे, एक्स की जगह पर ऐसी संख्या रखेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, और यहाँ पर वाई की जगह पर जोड़ करके या घटा करके ये संख्या पूरी हो रही हो, यानी कि जो दिया हुआ है, जैसे √5 दिया हुआ है, तो जोड़ और घटा करके ये संख्या पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 4 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग के रूप में है, और इसमें 1 जोड़ने पर 5 हो जाएगा, यानी कि इस रूप में इसको तोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्स की जगह पर 4 हो गया और वाई की जगह पर 1 हो गया। अब ये आगे देखिए फार्मूला इस रूप में खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए, √x है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √4, फिर प्लस। देखिए, अब यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला ही लगाएंगे, माइनस वाला नहीं लगाएंगे। इसमें देखिए, प्लस माइनस के दोनों फार्मूले साथ में लिखे गए हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस में संख्या टूटी है, इसलिए जो है केवल प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, √4 हो गया, उसके बाद देखिए वाई के जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 हो गया अपान 2 × √x, यानी कि √x क्या है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर √4 कर देंगे। अब देखिए, इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका वर्गमूल 2 निकल आएगा, फिर 1 अपान यहाँ पर 2 × इसका वर्गमूल 2 निकल आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस देखिए
टू प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, 8 1 9, 9/4 हो जाएगा। इसको भाग कर लेंगे, भाग करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 8 हो जाएगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए ले लिए हम √7, √7 ले लिए। अब इसको देखिए उसी रूप में फिर तोड़िए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है x+y में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी 4 पूर्ण वर्ग संख्या, हमको यहाँ 4 मिल रही, 4 + 3 इसको कर सकते हैं, 4 + 3 कर सकते हैं। अब यहाँ पर √x पहले आता है, तो पहले √x की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, x की जगह पर 4 रखेंगे, प्लस 1/2, 2 × √x होता है, तो यहाँ पर 2 × यहाँ पर देखिए यहाँ पर y की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। अब यहाँ पर 2 × कितना हो जाएगा, 2 × √4, तो यहाँ पर √4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और +3, अब यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 + यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ फिर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8, और 8 3 11, 11/4 हो जाएगा। अब 11/4 हो जाएगा, इसको हम भाग कर लेंगे, देखिए भाग करेंगे, 4 2 8, 4 2 8 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर बचेगा 3। अब 4 7 28 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे और कोई सवाल लेते हैं, मान लीजिए √11 ले लिए, 11 ले लिए, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे, देखिए 9, 9 का वर्गमूल निकल सकता है, नहीं ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √9, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/2 × 2/2 × ये √9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, फिर ऊपर 2, देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल कर देंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/9 का, 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 का 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे तो 3 3 का 9 हो गया, यहाँ पर बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, यही आता जाएगा, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिए √67, √67 ले लिए, देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 64, 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको 64 + 64 + 3 कर देंगे तो 67 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको उसी रूप में लिख लेंगे √x के रूप में, तो यहाँ √x की जगह पर √64 हो जाएगा, फिर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ पर ऊपर y यानी कि 3/ हो जाएगा, 2 × √64, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 8 64 यानी कि 8 आएगा, और यहाँ पर 3/ कितना हो जाएगा, 2 × यहाँ पर 8 9 64 यानी कि 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 और प्लस, देखिए 8 + यहाँ पर 3/8 2 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 16 8 128, और फिर 128 और 3 131 हो जाएगा, 131/16 हो जाएगा, और फिर इसको जब भाग करेंगे तो 16 8 128, और फिर 3 बचेगा, 3 का हो जाएगा 30, पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 16 1 16 एक बार जाएगा, तो फिर बचेगा 14,
और फिर 8 बार जाएगा, 16 8 128, और इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।